भारत के पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका की धरती पर उतरे तो उनके स्वागत के लिए अमेरिका ने रेड कारपेट बिछा दिया। हवाई अड्डे पर अमेरिका की तरफ से अमेरिका व्यापार और अंतरराष्ट्रीय मामलों के निदेशक क्रिस्टोफर ने उनकी आगवानी की। उनके साथ भारत में अमेरिका के राजदूत केन जस्टर की तरफ से फूलों का एक गुलदस्ता भी भेंट किया गया। स्थिति यह है कि इस वक्त ह्यूस्टन मोदीमय हो गया है और चारों तरफ मोदी के होर्डिंग और बैनर मोदी के स्वागत में अटे पड़े हैं। अगर इस वक्त ह्यूस्टन में कुछ है तो बस मोदी मोदी का शोर, यानी यहां दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतिनिधि ध्वजवाहक बनकर छा गया है। पर बात केवल इतनी ही नहीं है, पड़ोसी देश का प्रधानमंत्री इमरान खान 46 खाली चक्कर लगा चुकी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से शाह महमूद कुरैशी के साथ आज ही अमरीका पहुंचा है, परंतु इस भिखारी आजम की फिर से अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती हो गई है। इन दोनों चेले चपाटों को पूछने के लिए अमेरिका ने किसी को नहीं भेजा। इन्हें लेने के लिए मलिया लोधी और अमेरिका में पाकिस्तानी राजदूत की मंडली हवाई अड्डे पर खड़ी थी। कमाल की बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी इतने खिन्न नजर आए कि वे अपने राजदूत से पूछ रहे थे कि अमेरिका की तरफ से कौन आया है, जबकि इमरान को अपने जुलाई दौरे की याद ताजा हो आई जब वह एयरपोर्ट से मेट्रो ट्रेन पकड़कर अपने होटल पहुंचे थे। दरअसल पाकिस्तान को लगता था कि इस बार जिस तरह ट्रंप ने इमरान को जेंटलमैन बोला है उसकी वजह से अमेरिका उनका भव्य स्वागत करेगा, लेकिन ट्रंप समझ चुके हैं कि इमरान जिस प्रकार ह्यूस्टन की मस्जिदों से जिहादियों के द्वारा अमेरिका में अराजकता की साजिश रच रहे हैं, वहां स्वागत की नहीं इसकी तशरीफ पर लात की जरूरत है। बड़ी बात यह है कि ट्रंप के ऑफिस ने इमरान की बैठक के लिए सवालों की एक लंबी लिस्ट बना ली है, क्योंकि इमरान जिस प्रकार परमाणु बम की धमकियां भारत को दे रहे हैं और दुनिया को ब्लैकमेल करने की कोशिशें कर रहे हैं उससे अमेरिका का पारा फिर से गर्म हो गया है। इमरान की हवाई अड्डे पर बेइज्जती करके अमेरिका ने अपने इरादे भी जाहिर कर दिए हैं। जहां मोदी के लिए रेड कारपेट बिछाया गया, वहीं इमरान को एयरपोर्ट पर अपनी सलवार को पकड़कर जांच करवानी पड़ी। पर मामला यहां तक नहीं है, इमरान खान को अमेरिका की तरफ से कोई सिक्योरिटी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि प्रोटोकॉल के अनुसार दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा का जिम्मा मेजबान देश का होता है। शाह महमूद कुरैशी को यह सब बेहद नागवार गुजरा है, पर वह इस वक्त अमेरिका की धरती पर है, पाकिस्तान की हीरा मंडी के चौराहे पर नहीं, जहां जिहादी जमात उनके कहने से तहमद लहरा देती है और गधैया नर्तक करने लगती है। इमरान इस बार होटल के लिए भाड़ा सऊदी अरब से जरूर मांग कर लाए हैं, मगर इससे इज्जत नहीं बढ़ने वाली है। न्यूयॉर्क हवाई अड्डे से होटल तक वे जरूर किराए की गाड़ियों से गए, लेकिन बिना किसी सिक्योरिटी के। वैसे भी आतंकियों के रहनुमाओं को सुरक्षा की जरूरत भी नहीं है, इन्हें कौन सा जान का खतरा है, यह तो खुद ही मानवता को शर्मसार किए हुए हैं। पर बेइज्जती तो उस वक्त हुई जब न्यूयॉर्क की सड़कों पर भी मोदी के होर्डिंग के नीचे से इमरान खान की गाड़ी को गुजरना पड़ा, लेकिन मदरसा छाप लोग हैं, इन्हें इस बेइज्जती में भी इज्जत नजर आती है। अमेरिका में पाकिस्तान की आज की हालत भी किसी भिखारी से कम नहीं है, यह ठीक उसी तरह है जैसे कोई फालतू का भिखारी भद्रजनों की पार्टी में कटोरा उठाए घुस जाता है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।